नमस्ते इंडिया, स्वागत है आपको सरिता की रसोई में। मैं आज आपको बनाकर दिखाऊंगी ओल की सब्जी, जिसमें हमें चाहिए आधा के जी ओल है, और ये सरसों का दाना है, थोड़ा सा जीरा है, गोलमरीच है, ये मेथी का पत्ता है, लहसुन है, कड़ी पत्ता है, हरी मिर्च, मेथी का दाना, धनिया पत्ता और दो टमाटर है। तो दोस्तों, हम इसको कट कर लेते हैं, फिर हम आपको आगे का विधि बताएंगे। तो फ्रेंड, हम इस तरह से इन्हें काटेंगे। तो फ्रेंड, हम इसके ऊपर का छिलका हटा लिए हैं, इस प्रकार हम इनको भी छील लेंगे और फिर पीसेस में कट कर लेंगे। दोस्तों, हम इस प्रकार इसको छील लिए हैं और हम एक कटोरी में इस प्रकार काट लेंगे छोटा छोटा टुकड़ा में। तो हम काट लिए हैं इसको इस तरह से, और धुलाई भी कर लिए, और मेथी का पत्ता भी काट लिए, और ये धनिया पत्ता भी काट लिए, टमाटर सारा काट लिए। अब मैं कढ़ाई करूँगी गरम, उसके बाद मैं मसाला को भी पीस लेती हूँ। जब तक कढ़ाई गर्म होगा तब तक मेरा मसाला पीस जाएगा। मैं इसमें डालूँगी ये सरसों का दाना, लहसुन और ये हरी मिर्च। आप चाहें तो लाल मिर्च भी मिला सकते हैं, मैं लाल मिर्च नहीं डालती हूँ, आप चाहें तो मिला सकते हैं, उसे और तीखा और अच्छा बनेगा। तो फ्रेंड, मेरा मसाला इसके इस तरह तैयार हो गया, देखिए आप। तो मेरा कढ़ाई भी हो गया गरम, अब हम चलते हैं इसको छौंकने के लिए। तो हम इसमें डालेंगे तेल, सरसों का तेल है ये, तो थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि ओल है ना, तो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में थोड़ा तेल पड़ता है। और इसको स्वाद, इसका स्वाद बिल्कुल आपको मछली की तरह आएगा फ्रेंड, आप अपने घर में ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो मेरा तेल हो गया गरम, इसमें मैं डालूंगी मेथी का दाना। फ्रेंड, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कड़ी पत्ता और ये मेथी पत्ता डालें, अगर है तो आप डालिए, नहीं तो आप मेथी दाना से भी बना सकते हैं। मेरे पास है इसलिए मैं डाल रही हूँ कड़ी पत्ता और मेथी का पत्ता। मैं इसमें एक ओल डाल दूँगी और मैं इसको फ्राई करूँगी। तो फिर मैं इसको 5 से 6 मिनट तक भूनेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। तो हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे, और इसी बीच में हम नमक भी इसमें डाल देंगे, इसी बीच में हम नमक भी डाल देंगे। दोस्त, मेरे ससुराल में इसे कहते हैं ओल, और मेरी मम्मी के घर ना इसे बोलते हैं सूरल। तो आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, पर ये बनकर बिल्कुल मछली की तरह तैयार होंगे, आप लोग पक्का खाइएगा। और आप लोग के घर क्या बोलते हैं आप कमेंट में बताइएगा। और इसे हम थोड़े देर के लिए 2 मिनट के लिए रख देंगे, थोड़ा धीमी आंच पे इसे पकाएंगे ताकि ये सीझ जाए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। 2-3 मिनट हो गया, अब देखते हैं मेरा सब्जी कैसा भुना है। तो देखिए इस प्रकार ये भुना जाएगा, और भूनते भूनते ही सीझ जाता है, देखिए इस प्रकार ये लाल दिखने लगेगा आपको। और इसी में हम मसाला ऐड कर देंगे, इसी में हम ये पिसा हुआ मसाला डाल देंगे। इसको हम थोड़ा पानी डालकर भून लेंगे ताकि मसाला मेरा वेस्ट ना हो। इस प्रकार इसको भी हम
डाल देंगे। और इसमें हम थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च मिलाएंगे ताकि इसमें कलर आ जाए। और हल्दी पाउडर डालेंगे। तो फिर इसको हम चला देंगे इस तरह। इसलिए इसको भी हम 5 से 6 मिनट अच्छा से तेल छोड़ने तक भूनेंगे। इस तरह कलर आ जाएंगे आप लोग। तो देखिए फिर इस तरह से ये कलर आएगा आपको। क्योंकि मैं हरी मिर्च डालती हूँ इसलिए मैं कश्मीरी मिर्च डालती हूँ ताकि कलर अच्छा आ जाए और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा बहुत ज़्यादा। इसको मैं ढक देती हूँ फिर पक भी जाएंगे और अच्छा से भुजा भी जाएंगे। देखिए ये भूज गया है आधा, थोड़ा बहुत और भूलेगा। इतना हो गया तो इसमें हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर के साथ थोड़ा देर हम इसको भूज लेंगे। टमाटर गल जाएगा ना फिर इसमें हम पानी डाल देंगे। अभी के लिए फिर से मैं ढक देती हूँ। तो देखिए भुजा गया है और खुशबू भी आने लगा है एकदम बिल्कुल मछली की तरह। अब मैं इसमें डालूंगी पानी। तो इसमें डालें पानी, मुझे थोड़ा ग्रेवी वाली बनानी है। इस तरह हम पानी डालेंगे और इसमें हम थोड़ा खटाई भी डालेंगे क्योंकि थोड़ा ये कोई कोई जो ओल होता है ना मुंह काटता है इसलिए हम लोग थोड़ा खटाई डालते हैं। तो मैं एक अचार डाली थी पानी में और इसी को निचोड़ दी थी, यही हम इसमें डाल देंगे। आप ज़रूर डालिएगा, आपके घर में अगर अचार ना हो तो खटाई होगा, खटाई ना हो तो इमली होगा, कुछ ना कुछ इसमें खट्टा ज़रूर डालिएगा, नहीं तो कोई कोई ओल होता है ना मुंह काटने लगता है। इसको मैं ढक के 2 से 3 मिनट पकाऊंगी फिर मैं खाऊंगी इसको। हो गया 4 से 5 मिनट, हम देखते हैं मेरा सब्जी कैसा बना। तो देखिए क्या मेरा सब्जी बनकर हो गया तैयार। इसका रस ऐसा बना है बिल्कुल सही है। इसमें मैं डालूंगी अब धनिया का पत्ता। सब्जी हो गया तैयार, मैं आप लोग को दिखाती हूँ कटोरी में निकाल कर कैसा है बना है। मेरा सब्जी बनकर हो गया इस तरह तैयार। मैं अब चलती हूँ चावल के साथ खाने, फिर बताऊंगी कैसा है सब्जी मछली वाली। तो फ्रेंड देखिए कितना सुंदर खुशबू आ रहा है, बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत टेस्टी। आप लोग भी बनाइए और अपने घर में खाइए और कमेंट में बताइए आप लोगों को कैसा लगा। मेरा वीडियो आया होगा पसंद तो कीजिएगा लाइक और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। तब तक के लिए मैं मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।